अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम की तरफ से अभी तक राशन क्यों नहीं मिला। जेडीसी की तरफ से एक वीडियो जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि तकरीबन 50,000 लोगों ने गलत फॉर्म फिल किया है और तकरीबन डेली काफी सारे बंदे हैं जो गलत फॉर्म फिल कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको राशन नहीं मिल रहा। तो उन्होंने दोबारा एक वीडियो जारी की है और उसमें बताया है कि आपने सही तरीके से फॉर्म कैसे फिल करना है। जो लोग भी ताकतवर पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत राशन हासिल करना चाहते हैं, रमजान से पहले हमारी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रही है। संडे और जेडीसी मिलकर 20 लाख खानदानों तक का टारगेट पूरा करेगी हर महीने राशन का। आप जो फॉर्म भर रहे हैं, जो लोग गलती कर रहे हैं, 55,000 लोगों ने सिर्फ कल गलत फॉर्म भरा है भाई। इसके साथ ही वीडियो अटैच है, उसमें सीख लें कैसे फॉर्म भरना है। वैसे फॉर्म भरेंगे, डेटा हमारे पास आएगा, टीम वेरीफाई करेगी, अगले ल्यूबर्ट वाले आपके घर पर राशन पहुंचा देंगे। बहुत ईजी, बहुत आसान है। ये सामने कार्टन रखे में दिखा दो भाई, इस तरह के कार्टन है, दो लोगों का, पांच लोगों का अलग अलग राशन है। मैं इसके साथ ही मर्ज कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिए ताकि और लोग देख लें। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा कि ताकतवर पाकिस्तान राशन के लिए कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म को सही तरीके से कैसे फिल करना है। इस वीडियो को गौर से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि अब आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं है, ताकि आप सही तरीके से फॉर्म फिल करें और आप तक भी राशन पहुंचे। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जेडीसी की तरफ से राशन मिलना शुरू हो गया है। ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम उन्होंने सिंध में लॉन्च कर दिया है और जिन जिन की वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको राशन मिल रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपने फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है और सही तरीके से फॉर्म फिल करें और उसमें कोई गलती ना करें, गलती की गुंजाइश न छोड़ें, ताकि आपको भी राशन मिले। जहां प्ले स्टोर में आके लिखना है ताकतवर पाकिस्तान, जहां जैसे ही आप ताकतवर पाकिस्तान लिखेंगे, यहां ये सामने ऐप इसकी आ जाएगी, इस पर क्लिक करेंगे ताकतवर, तो ये देखें तो ये ऐप आ चुकी है आपके सामने। इस डाउनलोड पर आप क्लिक कर लेंगे, ये ऐप को डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में। जैसी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी इसको ओपन कर लेंगे अपने मोबाइल में। ये एप्लीकेशन ओपन हो गई। अब यहाँ बार बार लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हालांकि मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पे बेनिफिशियरी पे सेलेक्ट करना है, ये सामने जो बेनिफिशियरी लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जनाब अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो जहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर देना है और जहाँ पे वो पासवर्ड जिस पासवर्ड से आपने इस एप्लीकेशन में साइन इन किया था वो देखे चेक कर लेना है कि क्या आपको राशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर आप राशन इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं तो जहाँ आपका डेटा आ जाएगा और आपको यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आपको राशन कब मिलना है या आपकी वेरीफिकेशन कब होनी है। अगर आपको ये पासवर्ड भूल गए तो फिर आपके पास ये तरीका है कि आप किसी और मोबाइल सिम की मदद से न्यू रजिस्ट्रेशन करें और इस पासवर्ड को ज़रूर याद रखना है जो आपने साइन इन के लिए पासवर्ड देना है। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है आपने। साइन अप पे क्लिक करने के बाद ये जेडीसी को सिलेक्ट करना है, जेडीसी को सिलेक्ट करना है क्योंकि आपने ताकतवर पाकिस्तान में अप्लाई कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपने कंप्लीट नाम दे देना है। उसके बाद यहाँ अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर देना है और यहाँ वो मोबाइल नंबर देना है जो इस वक्त आपके सिम जो आपके पास एक्टिव है, ताकि इस पर आपको वेरीफिकेशन कोड आ सके। यहाँ पे नंबर कोडेक्ट लिखना है, यहाँ पे पासवर्ड, तो मेरे व्यूअर पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा पासवर्ड देना है, तो भाई इस पे वो पासवर्ड दें जो आपको बाद में याद भी रहे, ताकि आपको बाद में साइन इन करने के लिए इसमें मसला ना बने, क्योंकि इसी पासवर्ड की मदद से फिर आपको पता चलना है कि आपको राशन मिल रहा है, मिलना है या नहीं मिलना है, आपकी वेरिफिकेशन कब होनी है। आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ आपने अपना प्रोवेंस यानी अपना सूबा सेलेक्ट करना है, अगर आप सूबा सिंध से हैं तो सूबा सिंध को सिलेक्ट करें, अगर अदर सूबे से हैं तो कोई और सूबा सेलेक्ट करें। यहाँ आपकी डिवीजन है तो इसमें मुख्तलिफ डिवीजन आ रही हैं, आपने अब हैदराबाद डिवीजन है तो आप अपनी डिवीजन दे दें अगर आपकी हैदराबाद है तो। फिर यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट देना है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे देना है, यहाँ पे तहसील या टाउन दे देना है और यूनियन काउंसिल आपकी कौन सी है, यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करनी है आपने अपनी, और ये एंड पे एड्रेस है तो अपने एड्रेस में मुकम्मल इसकी तफसील दे देनी है। अगर आपका ऊपर कोई जिला या टाउन रह जाता है तो आप यहाँ दे सकते हैं। अपना कंप्लीट एड्रेस देने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे वो डेट ऑफ बर्थ देनी है जो आपके आईडी कार्ड पे लिखी हुई है, याद रखिएगा ये डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं देना, फॉर्म में कहीं भी गलती नहीं करनी है आपने। तो यहाँ आपने बिल्कुल सही आपने आईडी कार्ड वाली डेट ऑफ बर्थ दे देनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ फैमिली साइज याद रखिएगा कि फैमिली साइज आपने बिल्कुल ठीक लिखना है, अगर यहाँ पे गलती की तो जो आपकी वेरीफिकेशन के लिए आएंगे वो आपके फैमिली के बंदे काउंट करेंगे, अगर ये सच ना हुआ, उतने बंदे ना हुए तो आपको वो राशन नहीं देंगे और ना ही आपकी वेरीफिकेशन वो कम्प्लीट होगी। यहाँ पे फैमिली के अगर 7 बने हैं तो 7 लिख दें। उसके बाद नीचे जेंडर लिखना है, जेंडर में अगर आप मर्द हैं तो मेल लिख दें, अगर औरत हैं तो फीमेल लिख दें। यहाँ पे मेल पे क्लिक कर दें। एलिजिबल फॉर ज़कात ये आपने ज़रूर यस करना है, एलिजिबल फॉर ज़कात। मैरिटल स्टेटस आप अगर मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर दें, अगर गैर शादीशुदा हैं तो सिंगल पे कर दें। तो अगर खुदा ना खासा कोई डिसेबिलिटी है तो येस पे क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक कर दें। और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आ गई कि आपको किस टाइप की है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है कि एक टांग से, अगर खुदा ना खासा या एक आंख से मजदूर है तो यहाँ पे उर्दू में बेशक लिख दें एक टांग। तो यहाँ पे डिसेबिलिटी अगर कोई है तो इसमें लिख देना है जैसे, फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा आपको, ये वो कोड आपके मोबाइल पे आएगा। आप बार बार पूछ रहे हैं कि वेरिफिकेशन कोड के बारे में, तो ये आपके मोबाइल पे आएगा वेरिफिकेशन कोड और
ये आपने वही बिल्कुल सही से वेरिफिकेशन कोड लिखने, तभी ये एप्लीकेशन आगे जाएगी, वरना ये एप्लीकेशन यहाँ रुकी रहेगी जब तक ये आप वेरिफिकेशन कोड सही नहीं देते। और याद रखिएगा कि ये वेरिफिकेशन कोड आपके उस रजिस्टर्ड सिम पे, उस मोबाइल पे आने जिस सिम की मदद से आप इस एप्लीकेशन में रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपने तो जहाँ लिखा हुआ आएगा रिक्वेस्ट राशन बॉक्स, इस पे आपने ज़रूर क्लिक करना है, तभी आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगी। और इसके नीचे फिर ग्रीन कलर का लिखा हुआ आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है और आपकी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गई है। यहाँ तक ये प्रोसेस कंप्लीट करना है, वरना आपको कभी भी राशन नहीं मिलेगा, आपकी जो है वेरीफिकेशन या आपकी रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट नहीं होगी। ताकतवर पाकिस्तान प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।